नमस्कार, मैं हूं दिव्या बिहारी, न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 19 जुलाई, दिन शुक्रवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। अब बिना परमिट, फिटनेस, बीमा और प्रदूषण प्रमाण वाले वाहनों का ऑटोमेटिक कटेगा चालान। बिहार के खदानों को माइनिंग मैप में मिली जगह। बेसहारा बुजुर्गों के लिए बिहार सरकार चला रही कई योजनाएं। निर्धारित लक्ष्य के 20% ही हो सकी धान की रोपनी, किसानों की बढ़ सकती है परेशानी। केवल इन दो डॉक्यूमेंट्स की मदद से निःशुल्क बनवाएं आयुष्मान कार्ड। सेटिंग्स में इस फीचर को ऑन करते ही कोई भी आपके फोन को नहीं कर सकेगा स्विच ऑफ। श्रीलंका दौरे पर सूर्य कुमार यादव बने T20 भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान। अब चले बढ़ते अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। NPCIL ने नर्स और स्टाइपेंड्री के पदों पर निकाली भर्ती। न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी NPCIL द्वारा नर्स और स्टाइपेंड्री ट्रेनी के पदों पर भर्ती निकाली गई है। ये भर्ती 74 पदों के लिए है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 5 अगस्त है। इच्छुक उम्मीदवार इसकी आधिकारिक वेबसाइट npcilcareers.co.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों की आयु सीमा 18 से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। आवेदन शुल्क के रूप में आपसे ₹150 लिए जाएंगे। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। आज तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी ध्यान दें। आज से BPSC तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा शुरू है। परीक्षा 19 से 22 जुलाई तक चलेगी। परीक्षा को लेकर कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे आपको जानना बेहद ही जरूरी है। परीक्षा शुरू होने के 2 घंटे पहले केंद्र पर पहुंचकर आपको रिपोर्ट करना होगा। एग्जाम शुरू होने के 1 घंटे पहले गेट बंद कर दिए जाएंगे। आयोग ने कहा है कि जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन फॉर्म में फोटो या हस्ताक्षर अस्पष्ट अपलोड नहीं किए हैं, वे जरूरी कागजात या साक्ष्य के साथ परीक्षा केंद्र पर पहुंचे और इसे केंद्राध्यक्ष को समर्पित करें। इसके लिए आयोग की वेबसाइट पर मौजूद घोषणा पत्र को पूरी तरह से भर कर यहाँ निर्धारित जगह पर फोटो चिपकाना होगा। साथ ही राजपत्रित अधिकारी से अभिप्रमाणित रंगीन फोटो चिपकाएं। निर्धारित जगह पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों में हस्ताक्षर करना होगा। 2 प्रमाणित रंगीन फोटोग्राफ में एक एडमिट कार्ड पर चिपका दें और दूसरा अपने साथ परीक्षा केंद्र पर ले जाएं और इसे केंद्राध्यक्ष के सामने चिपकाएं। अब बिना परमिट, फिटनेस, बीमा और प्रदूषण प्रमाण वाले वाहनों का ऑटोमेटिक कटेगा चालान। बिहार में अब जिन गाड़ियों का परमिट, फिटनेस, बीमा और प्रदूषण प्रमाण पत्र नहीं रहेगा, उनका ऑटोमेटिक ही ई चालान काट दिया जाएगा। वाहन मालिक के मोबाइल नंबर पर ये ई चालान भेजा जाएगा। इस ऑटोमेटिक ई चालान काटने के लिए टोल प्लाजा और नगर निगम क्षेत्र की स्मार्ट सिटी प्रणाली को ई डिटेक्शन पोर्टल से जोड़ने की योजना है। परिवहन विभाग ने पुलिस मुख्यालय के इस प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। आपको बता दें कि प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए वाहनों का परमिट, मोटर वाहन कर और फिटनेस आदि के अनुपालन को समान रूप से सख्ती से लागू करने की जरूरत है। बिहार में बिगड़ते कानून व्यवस्था को देख सीएम नीतीश ने आज बुलाई बैठक। बिहार में बिगड़ते कानून व्यवस्था पर नकेल कसने के लिए सीएम नीतीश ने आज बैठक बुलाई है। उच्च स्तर पर बड़े अधिकारियों के साथ ये बैठक सीएम आवास पर होगी। इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिले के DM और SSP/SP जुड़ेंगे। इस बैठक में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बेहतर बनाने पर विचार विमर्श किया जाएगा। प्रदेश में अपहरण, मर्डर और लूटपाट की बढ़ती घटनाओं को लेकर इन दिनों विपक्ष भी नीतीश सरकार पर हमलावर है, जिसके बाद बिहार सरकार ने इन बढ़ते अपराध की घटनाओं को देखते हुए बैठक करने का निर्णय लिया है। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे बलाई चंद मुखोपाध्याय के बारे में। ये बंगाली भाषा के उपन्यासकार, लघु कथाकार, नाटककार, कवि और चिकित्सक थे। बलाई चंद मुखोपाध्याय का जन्म बिहार के पूर्णिया जिले में, जो अब कटिहार में है, वहाँ मनिहारी गांव में हुआ था। इन्होंने कई उपन्यास लिखे जिसमें स्वाधीनता, प्रथम गरल, जल तरंगा शामिल है। इन्होंने लघु कथाएँ भी लिखी जिसमें इनके कई साहित्य का फिल्म रूपांतरण भी हुआ है, जिसमें एकती रात, भुवन सोम, आरोही, अर्जुन पंडित आदि शामिल हैं। इन्हें इनके सर्वोत्तम कार्य के लिए वर्ष 1975 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया।
बीपीएससी टीआरई एक के सप्लीमेंट्री रिजल्ट का अभ्यर्थियों के पक्ष में आया फैसला। पटना हाई कोर्ट ने बीपीएससी टीआरई एक के सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए विभाग को जल्द से जल्द सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने का आदेश दिया है। अभ्यर्थियों को भी अदालत के फैसले से बड़ी राहत मिली है। आपको बता दें कि शिक्षक भर्ती परीक्षा के पहले चरण में जब सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी हुआ था तब 2773 उम्मीदवार पास किए थे, जबकि वैकेंसी 4797 सीटों पर थी। आयोग ने उसके बाद कहा था कि अब खाली बची सीटों को दूसरे चरण के शिक्षक भर्ती परीक्षा में जोड़ दिया जाएगा। अब बचे हुए इन सीटों के लिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा। आयोग के इस फैसले के विरोध में अभ्यर्थी हाई कोर्ट पहुंचे थे, जिसके बाद फैसला अब इनके पक्ष में आया है। 103 पुलिस निरीक्षकों के प्रमोशन की गृह विभाग ने जारी की सूची। बिहार पुलिस सेवा के पुलिस इंस्पेक्टर को राज्य पुलिस मुख्यालय ने बड़े पैमाने पर डीएसपी बनाया है। कुल 103 लोगों को प्रमोशन दिया गया है। गृह विभाग की तरफ से इन सभी 103 लोगों के नाम की अधिसूचना जारी कर दी गई है, जिन्हें प्रमोशन मिला है। इसमें पुलिस निरीक्षक मदन प्रसाद सिंह रोहतास से, अनिमेश कुमार सिंह नालंदा से, गौरी शंकर गुप्ता पूर्वी चंपारण से, शंभुनाथ पटना से और भी कई नाम शामिल हैं। बिहार के खदानों को माइनिंग मैप में मिली जगह। बिहार के खदानों की सूची को देश के खदानों की नीलामी के मानचित्र में पहली बार शामिल किया गया है। इसमें बालू के अलावे ग्लूकोनाइट, निकेल, क्रोमियम और प्लेटिनम ग्रुप एलिमेंट के बिहार में खोजे गए 3 खदानों को शामिल किया गया है। बिहार के खदानों की सूची को शामिल करने में अब इन खदानों को विकसित करने की कवायद राष्ट्रीय स्तर पर चलेगी। डिप्टी सीएम सह खान और भूतत्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि मोदी सरकार बिहार के दिल खोलकर सहायता कर रही है। नीतीश सरकार बिहार के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। सेटिंग्स में इस फीचर को ऑन करते ही कोई भी आपके फोन को नहीं कर सकेगा स्विच ऑफ। अगर आपका फोन किसी ने चोरी कर लिया है और इसे स्विच ऑफ कर लिया जाए तो फिर इसे ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए अगर कोई भी चोर आपके फोन को की चोरी करता है तो उसे सबसे पहले स्विच ऑफ करने की कोशिश करता है। ऐसे में आप अपने फोन में एक ऐसी सेटिंग्स कर सकते हैं जिसके बाद कोई चाहे तब भी आपके फोन को स्विच ऑफ नहीं कर सकता है, और ऐसी स्थिति में आप आसानी से अपने फोन को ट्रैक भी कर सकेंगे। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने फ़ोन के सेटिंग्स में प्राइवेसी में जाकर अनलॉक टू पावर्ड ऑफ फीचर तक पहुंचना होगा। फिर इसके सामने दिखने वाले टॉगल को ऑन कर दे। फिर यहां पासवर्ड डालते ही ये फीचर एक्टिव हो जाएगा और कोई भी आपके फ़ोन को स्विच ऑफ नहीं कर सकेगा। अगर आप इस फीचर पर दोबारा जाकर पासवर्ड डालकर अनलॉक कर इनेबल कर देंगे तो आपका फ़ोन स्विच ऑफ किया जा सकेगा। यूपी के गोंडा में हुए रेल हादसे के बाद यात्रियों के लिए हेल्पलाइन नंबर हुआ जारी। 1504 चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस यूपी के गोंडा में हादसे के शिकार हो गए। इस दौरान ट्रेन के करीब 12 डिब्बे पटरी से उतर आए और 5 डिब्बे पलट गए। खबर लिखे जाने तक इस मामले में करीब 4 लोगों की मौत की खबर मिली थी और कई लोगों के घायल होने की बात सामने आई थी। हादसे के बाद हेल्पलाइन नंबर भी रेल यात्रियों के लिए जारी किया गया है। इसमें सोनपुर 0615826299 है, हाजीपुर के लिए 8252912078 है, बरौनी के लिए 8252912043 है, समस्तीपुर के लिए 8102918840 और 0627423211। वहीं वाणिज्य नियंत्रक या समस्तीपुर के लिए 9771428963 है और 0628423225 पर भी संपर्क किया जा सकता है। ट्रेन हादसे की वजह से कई रेलवे रूट भी प्रभावित हुए हैं। बेसहारा बुजुर्गों के लिए बिहार सरकार चला रही योजना। बिहार सरकार बेसहारा बुजुर्गों के लिए कई योजनाएं लेकर आती है। इसकी जानकारी आईपीआरडी बिहार पर भी साझा की गई है, जहां बताया गया है कि बेसहारा बुजुर्गों को रहने, कपड़े पहनने, भोजन, मनोरंजन और चिकित्सा की मुफ्त सुविधा मिलती है। यहां पर बुजुर्ग चाहे तो अगरबत्ती, मोमबत्ती या हस्तशिल्प कला जैसे सिलाई बुनाई आदि का काम कर सकते हैं। बुजुर्गों को इसका लाभ बिहार वृद्धा आश्रम सहारा योजना के तहत दिया जाता है। इस योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप 0612228073 हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।
एडीजी जीएस गंगवार ने बताया, बिहार पहला राज्य जहां मर्डर मामले में 92% चार्जशीट। बिहार पुलिस मुख्यालय एडीजी जीएस गंगवार ने जानकारी दी है कि कोरोना काल को छोड़कर 24 वर्षों में मर्डर की घटनाओं में कमी आई है। साल 2023 में सबसे कम मर्डर का मामला सामने आया है। आगे एडीजी जीएस गंगवार ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा, प्रति लाख जनसंख्या के आधार पर मर्डर का दर आंका गया है। इस दौरान ये भी बताया गया है कि अधिकांश मर्डर की घटना पर्सनल दुश्मनी, जमीन विवाद, लव अफेयर और अवैध संबंध में भी सामने आते हैं। पूरे देश के आंकड़ों को देखा जाए तो बिहार पहला ऐसा राज्य है जो मर्डर के मामलों में 92% चार्जशीट किया गया है। इस मामले में बिहार पूरे देश में 14वें स्थान पर है। निर्धारित लक्ष्य के 20% ही हो सकी धान की रोपनी, किसानों की बढ़ सकती है परेशानी। इस बार बिहार में धान उत्पादन के लिए 36 लाख हेक्टेयर का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन जुलाई का आधा महीना बीत चुका है, तब भी धान की रोपनी लक्ष्य के महज 20% की ही हो पाई है। आपको बता दें कि जुलाई धान की रोपनी के लिए सबसे बेहतर माना जाता है। हालांकि बीते 2-3 दिनों से बारिश में भी कमी आई है। प्रदेश के 13 जिलों में करीब 20-40% तक कम बारिश हुई है। ऐसे में यदि 25-26 जुलाई तक बारिश अच्छी नहीं होती है तो ये किसानों के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। हालांकि इसे लेकर कृषि मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि सरकार पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है, किसानों को हर हालात में मदद पहुंचाई जाएगी। वैसे अभी मॉनसून खत्म नहीं हुआ है, अभी भी कई जिलों में बारिश के आसार लग रहे हैं, फिर भी अपनी तरफ से हम लोग परिस्थिति पर नजर बनाते हुए अधिकारियों के संपर्क में है। केवल इन 2 डॉक्यूमेंट्स की मदद से निःशुल्क बनवाए आयुष्मान कार्ड, आप अपना निःशुल्क आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। इससे संबंधित जानकारी आईपीआरडी बिहार ने साझा की है। इसे बनवाने पर आपको 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज प्रतिवर्ष मिलता है। इसे बनवाने के लिए आपके पास आधार कार्ड और राशन कार्ड होना जरूरी है। इसे बनवाने के लिए आपको अपने जन वितरण प्रणाली दुकानदार से संपर्क करना होगा या https://beneficiary.nha.gov.in वेबसाइट पर जाना होगा। अधिक जानकारी के लिए आप टोल फ्री नंबर 104 पर कॉल कर सकते हैं। इन मुद्दों पर बिहार विधानसभा के स्पीकर ने की हाई लेवल मीटिंग। सुरक्षा, ट्रैफिक व्यवस्था, चिकित्सा, सफाई, पार्किंग सहित अन्य और भी कई व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के उद्देश्य से उच्च स्तरीय बैठक हुई। ये बैठक विधानसभा के कॉन्फ्रेंस कक्ष में आयोजित हुई थी। इसकी अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव ने किया है। उन्होंने कहा है कि यह सत्र छोटा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। इस सत्र में 5 बैठकें होंगी। इसमें प्रश्न, वित्तीय कार्य, गैर सरकारी संकल्प सहित अन्य महत्वपूर्ण विधायी कार्य संपन्न होंगे। बिहार विधानसभा बिहार की करोड़ों जनता की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। सदन में जितना सार्थक विमर्श होगा विधायिका उतना ही मजबूत भूमिका निभा सकेगी। सावन महीने में भक्तों के लिए 6 स्पेशल ट्रेनों का होगा संचालन। सावन के पावन महीने से शिव भक्त भगवान शिव की पूजा के लिए लंबी यात्रा करते हैं। भक्तों की आवाजाही को आसान बनाने के लिए 6 स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला पूर्व रेलवे द्वारा लिया गया है। 05597 जयनगर आसनसोल त्रिसाप्ताहिक स्पेशल 23 जुलाई और 20 अगस्त के बीच प्रत्येक मंगलवार, शुक्रवार और रविवार को जयनगर से रात 10 बजे प्रस्थान करेगी, जो अगले दिन सुबह 11:30 बजे आसनसोल पहुंचेगी। और 05598 आसनसोल जयनगर त्रिसाप्ताहिक स्पेशल 24 जुलाई और 21 अगस्त के बीच प्रत्येक बुधवार, शनिवार और सोमवार को आसनसोल से दोपहर 1 बजे रवाना होगी, जो अगले दिन सुबह 4:20 पर जयनगर पहुंचेगी। बिहार के इन जिलों में बारिश की है संभावना। बिहार में कई जगहों पर उमस भरी गर्मी से लोग परेशान हैं। बिहार में मॉनसून कमजोर पड़ चुका है, हालांकि कई जगहों पर धूप छाप की स्थिति देखने को मिल रही है। आज भी प्रदेश में कई जगहों पर बारिश की संभावना जताई गई है। प्रदेश में आज पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज जिले में मेघ गर्जन या वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। आज प्रदेश में अधिकतम तापमान 36 से 38 डिग्री और न्यूनतम तापमान 28 से 30 डिग्री रहने की संभावना जताई गई है। लंबित आपराधिक मुकदमों के मामले की पटना हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। 2 अगस्त 2024 को पटना हाईकोर्ट में पिछले 2 दशकों से राज्य के निचली अदालतों में बड़ी संख्या में लंबित आपराधिक मुकदमों के मामले पर सुनवाई होगी। कौशिक रंजन की इस जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस केवी चंद्रन की खंडपीठ द्वारा सुनवाई की जा रही है। इस जनहित याचिका के संबंध में कौशिक रंजन के अधिवक्ता समा सिन्हा ने जानकारी दी कि बड़ी संख्या में राज्य के विभिन्न अदालतों में आपराधिक मामले लंबित पड़े हैं। ऐसे करीब 67,000 मामले हैं जिनमें पार्टियां कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रही हैं।
उन्हें ऐसे कैदियों को कानूनी सहायता के लिए जरूरी जानकारी और प्रशिक्षण देने की कार्रवाई शीघ्र शुरू किए जाने की संभावना है। अधिवक्ता ने यह भी बताया है कि कई मामले काफी पुराने हैं और इनमें से अधिकतर ऐसे मामले हैं जो संदर्भहीन हो चुके हैं। 2 अगस्त को इन मामलों पर अगली सुनवाई की जाएगी। बोर्ड में अच्छे अंक लाने वाले छात्रों को केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी करेंगे सम्मानित। प्राइवेट स्कूल्स एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वाधान में होने वाले 12वें प्रतिभा सम्मान समारोह का उद्घाटन पटना के सभागार में होगा। इसका उद्घाटन 20 जुलाई को केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी करेंगे। इस अवसर पर चर्चित IPS ऑफिसर विकास वैभव भी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहने वाले हैं। इस दौरान जीतन राम मांझी और विकास वैभव छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए 80% या इससे अधिक अंक लाने वाले CBSE, ICSE और बिहार बोर्ड के 4000 मेधावी छात्रों को सर्टिफिकेट और मेडल देकर सम्मानित करेंगे। टेक्सटाइल इन्वेस्टर्स समिट के लिए पटना पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान। टेक्सटाइल इन्वेस्टर्स समिट के लिए केंद्रीय टेक्सटाइल मिनिस्टर गिरिराज सिंह पटना आए। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इस इन्वेस्टर्स समिट में देश भर के टेक्सटाइल्स फील्ड से जुड़े उद्योगपतियों को आमंत्रित किया गया है, जिसमें बिहार में टेक्सटाइल फील्ड में बड़े स्तर पर निवेश की संभावनाएं खुलेंगी। गिरिराज सिंह ने बताया है कि बिहार टेक्सटाइल्स के फील्ड में काफी बेहतर काम कर रहा है। हम लोगों की कोशिश है कि बिहार को टेक्सटाइल्स का हब बनाया जाए। बिहार में गारमेंट्स के फील्ड में निवेश की बड़ी संभावना, यहाँ अगर 1 करोड़ का निवेश होता है तो 70 के करीब लोगों को रोजगार मिलता है। बिहार उद्योग विभाग और हमारे विभाग की पूरी कोशिश है बिहार में अधिक निवेश हो। राजद सांसद मनोज झा ने बिहार सरकार पर उठाए सवाल। बिहार में मुकेश सहनी के पिता के मर्डर मामले में प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर काफी हंगामा हो रहा है। इस मामले में पक्ष विपक्ष दोनों एक दूसरे पर हमलावर है। अब इसी बीच बिहार में नीतीश सरकार के शासन व्यवस्था को लेकर राजद सांसद मनोज झा ने चुनौती दे दी है। लगातार हो रहे इन आपराधिक मामलों को लेकर उन्होंने कहा है कि समझ में नहीं आता है कि इस राज्य को कौन चला रहा है। बिहार में हो रही आपराधिक वारदातों को लेकर CM नीतीश भिज्ञ है या अनभिज्ञ ये भी नहीं जानते हैं। हर जिले में आपराधिक वारदातों की खबर आ रही है। चिंता का विषय है कि उनके होते वारदातें रुक क्यों नहीं रही हैं। तब सवाल उठता है कि राज्य कौन चला रहा है। बीजेपी की कार्य समिति बैठक में सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद यादव पर साधा निशाना। बीते दिन पटना के SK मेमोरियल हॉल में बीजेपी के प्रदेश कार्य समिति की बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा समेत और भी कई बड़े नेता मौजूद थे। इस बैठक में सम्राट चौधरी ने लालू यादव पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राज्य में अपराधियों का नेतृत्व करने वाला सिर्फ एक ही नेता है। इस दौरान सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद यादव का नाम लिया। आगे उन्होंने कहा कि बिहार में अगर कोई अपराध होता है तो उसे 24 से 48 घंटे में सुलझा लिया जाता है। श्रीलंका दौरे पर सूर्य कुमार यादव बने T20 भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान। भारतीय क्रिकेट टीम का ऐलान श्रीलंका दौरे के लिए हो चुका है। इसमें T20 टीम का कप्तान सूर्य कुमार यादव को बनाया गया है। पहले भी हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव के नाम की चर्चा थी, हालांकि अब आधिकारिक तौर पर सूर्य कुमार यादव के नाम की घोषणा हो चुकी है। इससे पहले भारतीय टीम जिम्बाब्वे दौरे पर गई थी, जहां भारतीय टीम के कप्तान की कमान शुभमन गिल को सौंपी गई थी। सूर्य कुमार यादव के कप्तान बनने पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1827 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मंगल पांडे का जन्म हुआ था। आज के दिन वर्ष 1969 में भारत सरकार ने देश के 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। आज के दिन वर्ष 1974 में क्रांतिकारी उधम सिंह की अस्थियों को लंदन से नई दिल्ली लाया गया था। आज के दिन वर्ष 1956 में भारतीय कानूनी सलाहकार जिया मोदी का जन्म हुआ था। आज के दिन अल्तमस कबीर का जन्म हुआ था। ये भारत के 39वें मुख्य न्यायाधीश थे। आज की वायरल खबर में हम बात करेंगे वेटिंग टिकट वाले रेलवे यात्रियों को लेकर वायरल हो रहे इस खबर के बारे में। सोशल मीडिया पर वेटिंग टिकट वाले रेलवे पैसेंजर को लेकर एक अफवाह फैल रही है, जहां दावा किया जा रहा है कि रेलवे के नए नियम के मुताबिक अब वेटिंग लिस्ट वाले पैसेंजर ट्रेन से यात्रा नहीं कर सकेंगे। लेकिन आपको बता दें कि ये दावा पूरी तरह से भ्रामक और झूठी है। इस तरह की वायरल खबरों पर विश्वास करने से बचें। वेटिंग लिस्ट वाले पैसेंजर का टिकट ई टिकट के केस में ऑटोमेटिकली ही कैंसिल हो जाता है। वहीं काउंटर वेट लिस्ट टिकट लेकर सामान्य कोच में ही यात्री कर सकते हैं, आरक्षित कोच में यात्रा नहीं की जा सकती है। PIB फैक्ट चेक ने भी इस जानकारी को साझा किया है।
हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसके जवाब बताएंगे जो कि बिहार पुलिस, बीपीएससी, दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है हमें कॉमेंट में लिखकर जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, चीनी यात्री ह्वेन सांग ने 625 ईस्वी से 640 ईस्वी तक किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? ऑप्शन ए है विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी है उदंतपुरी विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी है तक्षशिला विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी है नालंदा विश्वविद्यालय। इसका सही उत्तर है नालंदा विश्वविद्यालय। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है नालंदा, ऑप्शन बी है मुंगेर, ऑप्शन सी है भागलपुर, ऑप्शन डी है पटना। इसका सही उत्तर है भागलपुर। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में कौन सी घटना 14 जून 1945 को घटित हुई थी? ऑप्शन ए कैबिनेट मिशन प्लान पेश किया गया, ऑप्शन बी ए वेवेल प्लान प्रस्तुत किया गया, ऑप्शन बी ए लॉर्ड माउंटबेटन प्लान प्रस्तुत किया गया, ऑप्शन डी है अंतरिम सरकार की स्थापना की गई। इसका सही उत्तर है वेवेल प्लान प्रस्तुत किया गया। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने कलकत्ता की ब्रिटिश फैक्ट्री पर कब आक्रमण किया? ऑप्शन ए 1753, ऑप्शन बी है 1756, ऑप्शन सी है 1759, ऑप्शन डी है 1760। इसका सही उत्तर है 1756। भूदान योजना की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन ए आचार्य नरेंद्र देव, ऑप्शन बी आचार्य विनोबा भावे, ऑप्शन सी है राज नारायण, ऑप्शन डी है मेधा पाटेकर। इसका सही उत्तर है आचार्य विनोबा भावे। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया। जिन्होंने हमारे पूछे गए सवाल का जवाब देने के नाम है मोतीलाल कुमार, अनवर करीम खान, विनय कुमार, राजकिशोर महतो, राजीव कुमार, पूनम लता, गोनर शर्मा, अतीक खान, रत्नेश कुमार, चिंटू प्रसाद, आदित्य राज, दीपक कुमार, शिवानी, पिंटू कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, बिहार में आपराधिक मामले पर उठ रहे सवाल को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे हमें कॉमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।